वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया कि पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद के ऐलान पर अमरीकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि यह सानहा बहुत बड़ा है, इसमें लाखों लोग शदीद मुतासिर हुए। दुनिया भर में मौजूद अपने दोस्तों की जरूरत है जो दुखी इंसानियत की मदद करें। दोस्त ममालिक से दिन रात जहाज इमदादी सामान लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सप्लाई और किल्लत की सूरत हाल देखकर भारत से फूड आइटम्स मंगवाने का फैसला करेंगे। वफाकी वजीर खजाना ने एक बयान में कहा कि एक से ज्यादा बैनुल अक़वामी एजेंसियों ने हुकूमत से राब्ता किया। बैनुल अक़वामी एजेंसियों ने जमीनी रास्ते से भारत से फूड आइटम्स लाने की इजाजत मांगी। मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि सप्लाई और किल्लत की सूरत हाल देखकर हुकूमत इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर से मुशावरात करके भारत से फूड आइटम्स मंगवाने का फैसला करेगी। वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत सप्लाई की कमी की बुनियाद पर फूड आइटम्स मंगवाने की इजाजत देने या न देने का फैसला करेगी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में 7 रोज से बिजली के बहरान बरकरार। ज़राए के मुताबिक कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में 7 रोज से बिजली के बहरान के बाद तारीकी में डूबा हुआ है। ज़राए का कहना है कि खुदसार, कलात, सोराब, मस्तोंग, नौशकी, चौगी, खारान और दलबंदेन में बिजली की सप्लाई मौतल है। इसके अलावा सोब, किला सैफुल्ला, पशीन, चमन के इलाकों को योमिया 2 घंटे बिजली की फ्राहमी की जा रही है। कैस्को के मुताबिक कोयटा को मुतबादल सराय से 4 घंटे के लिए बिजली फ्राहम की जा रही है, तो दूसरी जानी बिजली की बंदिश से नौशकी, मस्तोंग, कलात में पीने के पानी का भी बहरान है। सैलाब ज़दा इलाकों में 50 लाख अफराद के बीमार होने का खदशा। वाइस चांसलर हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के मुताबिक डॉक्टर शहजाद अली खान, पाकिस्तान में सैलाब से अब तक 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। चंद हफ्तों में लाखों अफराद आलूदा पानी और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से मुतासिर होंगे। डॉक्टर शहजाद अली खान का कहना है कि सैलाबी इलाकों में टाइफाइड और हैजे की मुश्तरका वैक्सीन हर शख्स को लगाई जाए। माहिर अमरीकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक सैलाबी इलाकों में डेंगू, मलेरिया, खसरा और पोलियो फैलने के अमकान कई गुना बढ़ गए हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। आलमी मालियाती फंड IMF की जानिब से प्रोग्राम की बहाली के बाद पाकिस्तान में डॉलर की कदर में आज कमी देखी जा रही है। IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद मंगल के रोज भी इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में कमी हुई। डॉलर 1.79 रुपए सस्ता होने के बाद 220.12 रुपए पर बंद हुआ। बुध के रोज भी इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में कमी देखी जा रही है और डॉलर 1.62 रुपए मजीद सस्ता हुआ है। बिहाड़ी में सब्जी मंडी के सदर चौधरी अब्बास अली ने दुकानों, ढाबों, चाय के स्टॉल, पहले पल्लेदार और आड़तियों से सैलाब ज़दगान के लिए जाकर फंड इकट्ठा किया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद शामून नजीर। जी बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन के लिए सब्जी व फ्रूट मंडी के मजदूर भी पेश। जी बिल्कुल, सब्जी मंडी के आड़तियों, मजदूरों और रेड़ी बानों का जज्बा दीदनी इंसानियत की जिंदा मसाल आज देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, बिहाड़ी के सब्जी व फ्रूट मंडी में सैलाब से मुतासरीन की बहाली के लिए सदर चौधरी अब्बास अली ने खुद जाकर फंड इकट्ठा किया और लोगों को तरगीब भी दी। सदर सब्जी मंडी चौधरी अब्बास अली ने कहा कि इस वक्त मुल्क में आफत जैसी सूरत हाल है, मगर हर पाकिस्तानी अपने भाइयों के शाना बिशाना खड़ा है। सब्जी मंडी में मजदूर, पल्लेदार, चाय फरोश, आड़तियों ने खुलकर सैलाब फंड में हिस्सा डाला और यही कौमों की निशानी होती है, मुश्किल में एक दूसरे के काम आ सकें। सब्जी मंडी के मजदूरों ने कहा कि आज हम रोज़ाना दिहाड़ी करने आते हैं, मगर आज जो भी दिया वो दिल से दिया है ताकि मुतासरीन की बहाली हो सके। सदर सब्जी मंडी ने खुद जाकर मजदूरों, पल्लेदारों, आड़तियों को तरगीब देकर फंड इकट्ठा किया और दूसरों के लिए मिसाल बने। जी, कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद शमून नज़ीर, बिहाड़ी। हैदराबाद में मुहिब वतन पाकिस्तानी नौजवान ऑर्गेनाइजेशन और हिंदू कौंसल पाकिस्तान हैदराबाद की जानिब से आज रेडियो पाकिस्तान से प्रेस क्लब हैदराबाद तक पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली के शुरका पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुहिब वतन पाकिस्तानी नौजवान ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी चेयरमैन कामरान अली अवैसी ने कहा की पाकिस्तान भर में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासरीन और बारिश से मुतासर होने वाले लोगों की मदद के लिए पाक फौज
फौज रात दिन अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। कहा कि पाक फौज ने हमेशा अपनी पाकिस्तानी अवाम की हर तरह से खिदमत की, हर तरह से अवाम की हिफाजत के लिए दिन रात अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। पाक फौज ने सैलाब में फंसे हुए लोगों को महफूज मकाम पर पहुँचाया, अवाम में राशन तकसीम किया, खाना तकसीम किया, खेमे लगाए गए, पानी और दीगर जरूरियात जिंदगी का सामान फराहम करने में मसरूफ अमल है। हम अपनी पाक फौज को सैलाब सदगान की मदद करने पर खराज तहसीन पेश करते हैं।